अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होप यू आर डूइंग वेल आज मैं आपके साथ बेकड मल्टीन माउथ चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत जूसी सॉफ्ट और चीज़ी बनता है मल्टीन माउथ का मतलब ये नहीं कि वो आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है जस्ट ये बहुत सॉफ्ट होता है बहुत जूसी होता है और बहुत चीज़ी भी होता है तो चलिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में सॉल्ट रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ स्पाइसिस में इसमें चीज़ भी ऐड होनी है तो आपने सॉल्ट लेवल हाफ टी स्पून करके ऐड करना है और टू टेस्ट आप ऐड कर लें देन इसमें गार्लिक ऐड करी हूँ चॉप्ड करके टू टेबल स्पून गार्लिक ऐड किया है फ़ोर टेबल स्पून मायनीज़ ऐड करी हूँ जितनी मायिनीज ऐड करनी है उसे डबल क्वान्टिटी में योगर्ट ऐड करना है ये मेरीनेशन मैं दो ब्रेस्ट चिकन के लिए कर रही हूँ अगर आपको एक ब्रेस्ट चिकन की मेरीनेशन करनी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वान्टिटीज़ को हाफ कर लेंगे देन इसमें औरिगानो पाउडर ऐड करी हूँ जो आपने लाजमी ऐड करना है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे बहुत फ्लेवर इन्स हो जाता है देन इसमें श्रेडेड चीज़ ऐड कर रही हूँ वन कप जो कि इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है देन इसमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है मैं अभी आपको चिकन दिखाऊंगी जो कि मैंने फिले कट किए हुए हैं और उसको मीट इंटराइजर हैमर की हेल्प से हैमर किया हुआ है ताकि चिकन फ्लैट हो जाए और जूसी और सॉफ्ट बने जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये चिकन फ्लैट किया हुआ है फिले कट किए हुए हैं दो ब्रेस्ट चिकन लिया था और उसको कर लिया था मेरे से वो वीडियो क्लिप मिस हो गई थी जिसमें मैंने इसको हैमर किया था एंड देन रियलाइज्ड ओह शिट एनीवेज अगर आपने मेरी फेटाची एल फ्रेडो पास्ता की रेसिपी देखी होगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने चिकन को कैसे कट किया और हैमर किया था अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी आप वहां से मेरी फैटोची एल फ्रेडो पास्ता की रेसिपी देख सकते हैं उसमें फ़र्स्ट स्टेप में ही मैंने बताया हुआ है कि चिकन को कैसे कट किया और कैसे हैमर किया सेम वही स्टेप मैंने इस रेसिपी में भी किया था अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन को किस तरह से मेरीनेट कर दिया और इसको हाफ आर्ट के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया था ताकि चिकन को रेस्ट मिल जाए और वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए सब इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए देन हाफ आवर के बाद हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे बेकिंग ओवन में इसको बेक करना है देन यहाँ पे मैं बेकिंग ट्रे ले रही हूँ इसको इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ रैप कर रही हूँ जब ये बेक होगा चिकन तो इसमें वो अपना चिकन पे अपना पानी छोड़ेगा और जो दही है वो भी अपना पानी छोड़ेगा मैंने 180 डिग्री पर चिकन को बेक किया था ओवन में तो 10 मिनट्स में परफेक्टली बेक हो गया था या आपके ओवन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में बेक होता है आप 10 मिनट्स के बाद उसको चेक कर लें अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा और होना चाहिए तो आप कर सकते हैं दैन मैंने फॉल पेपर कोल से ग्रीस कर दिया और अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इस तरह से चिकन रख दिए इस ट्रे में, में मेरे दो फिले आए थे तो मैंने दो ही रख दिए उसके बाद मैं यहाँ पे शेड चीज़ ले रही हूँ और रोरेगानो लीव्स ले रही हूँ शेडिड चीज़ के साथ चिकन को इस तरह ऊपर टॉप करना है उसके ऊपर ओरिगानो लीव्स भी स्प्रिंकल कर देने हैं क्योंकि ये चिकन बहुत चीज़ी होता है तो इसकी मेरीनेशन में भी चीज़ ऐड हुई है और बेक करने से पहले इसको चीज़ के साथ टॉप भी कर देना है आप चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं चाइटर हो मजिला हो जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर दें चीज़ और ओरिगानो लीव्स के साथ टॉप करने के बाद जब आप इसको बेक करेंगे ना तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका अब यहाँ पे चीज़ भी टॉप हो गई औरगोनो लीव्स भी टॉप हो गए इसको देन मैंने बेक भी कर लिया था यहाँ पे ये यह बेकिंग प्रोसेस में है ये बेक हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत परफेक्टली सा बेक हो गया है जब इस तरह से चिकन के ऊपर चीज़ रेड रेड ब्राउन ब्राउन सी हो जाए दैट्स मीन कि आपका चिकन बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है चीज़ भी आपकी कुक हो गई है दैन मैंने इसको यहाँ पर खीरे के साथ सर्व कर दिया है अगर आप खीरे नहीं लाइक करते आपको नहीं करना सर्व तो आप स्किप भी कर सकते हैं और हमारा बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा चिकन मिल्टीन मॉथ रेडी हो गया है मस्ट ट्राई एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक्स प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अल्लाह हाफिज़